हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट फॉरएवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। थंबनेल में आपने देख ही लिया है हम किससे रिलेटेड बातें करने वाले हैं। हम बातें करने वाले हैं जोमेटो के आईपीओ से रिलेटेड। तो जोमेटो का आईपीओ देखिए, मैंने काफी टाइम से किसी आईपीओ से रिलेटेड वीडियो नहीं बनाई, जस्ट बिकॉज मन नहीं कर रहा था आईपीओ से रिलेटेड वीडियो बनाने का। बट ये आईपीओ एक अट्रैक्टिव आईपीओ लग रहा है, सो आई एम थिंकिंग टू मेक अ वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर आईपीओ। तो आज बात करें इसके डिटेल से, जीएमपी एंड ऑल इन सभी चीज से रिलेटेड हम बातें करेंगे। बट बिफोर दैट, वीडियो में आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरह की वीडियो डेली बेसिस पर मिलती रहे। और अगर आज की बात की मार्केट की बात करें, देखिए मार्केट गिरा हुआ था, बट हमने जो आपको स्टॉक्स बताए थे वो सारे के सारे स्टॉक चलते हुए दिखाई दिए। तो इन वीडियो को जाके देखिए, आपको नॉलेज मिलेगी, नॉलेज लेके आप मार्केट में काम करेंगे तो अच्छा खासा पैसा बनाते हुए दिखाई देंगे। तो ये वीडियो की तरफ चलते हैं, और यहाँ पर प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट को गो थ्रू कर लीजिए, अच्छी खासी नॉलेज आपकी इंक्रीज हो जाएगी। तो हम बात करते हैं जोमेटो का आईपीओ। जोमेटो एक्चुअली है क्या, सबसे पहले तो वो जानना बहुत जरूरी है, बताने की वैसे जरूरत नहीं है। जोमेटो आप सबको ही पता है, ऑनलाइन फूड डिलीवरी का एक जोमेटो के नाम से इज अ इंडियन मल्टीनेशनल रेस्टोरेंट। मल्टीनेशनल क्यों है, क्योंकि ये इंडिया में ही नहीं और भी बहुत सारी कंट्रीज में, जो कि हम आगे बात करेंगे। तो हम बात करें मल्टीनेशनल रेस्टोरेंट एग्रीगेटिंग है, फूड डिलीवरी कंपनी है। ओके, फाउंडेड बाई पंकज चड्डा एंड दीपेंद्र गोयल इन 2009, मतलब 2008 में यहाँ पर फाउंडेड हुई थी ये कंपनी। और आज की डेट में अगर बात करें 12-13 साल बाद, तो इसकी जो वैल्यूएशन नजर आ रही है, काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे यहाँ पर ये कंपनी नजर आ रही है। लगभग 70,000 करोड़ के आसपास की यहाँ पर ये कंपनी नजर आ रही है। और अगर हम और भी चीजों की बात करें, तो ये जोमेटो एक इंडिया की तो है ही, इंडिया की बहुत बड़ी अगर या बात करें नंबर वन यहाँ पर फूड डिलीवरी कंपनी है, जो आप ऑर्डर करते हो फूड, और फास्ट ग्रोइंग कंपनी है। अगर बात करें यहाँ पर आगे चल के, यहाँ पर बहुत ज्यादा यहाँ पर स्कोप भी है। क्यों है स्कोप? तो स्कोप इसलिए है क्योंकि धीरे धीरे देखिए कल्चर चेंज होता जा रहा है। ओके, वी आर गोइंग टू लाइक, हमारा जो पूरा ट्रेडिशन है, या फिर बात करें हम ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं जो वेस्टर्न की तरफ, तो वेस्टर्न में मोस्टली लोग बाहर की तरफ जाते हैं, तो वो घर पे बनाना कम पसंद करते हैं, वो बाहर रेस्टोरेंट में जाके खाना ज्यादा पसंद करते हैं, या रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर करने में ज्यादा पसंद करते हैं। सो इसी तरीके से बात करें इंडिया की, तो इंडिया का भी वो कल्चर धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है। पीपल आर लिविंग लाइक अकेले रहते हैं। ओके, वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे माइग्रेट होते रहते हैं। सो अगर बात करें, काफी लोग यहाँ पर बाहर से ही ऑर्डर प्रेफर करते हैं, और धीरे धीरे ये ट्रेंड और बढ़ता जाएगा, और जिस तरह से ये ट्रेंड और बढ़ेगा, तो यहाँ पर ये कंपनी और ज्यादा अच्छा खासा काम करती हुई नजर आएगी। और इंडिया में तो कम है, बट अगर बात करें फॉरेन कंट्री में, आजकल आज भी बहुत ज्यादा यहाँ पर ट्रेंड है कि बाहर से खाना खाने का, रेस्टोरेंट में जाके या फिर बाहर से मंगाने का। तो यहाँ पर बात करें जोमेटो इंडिया में ही नहीं, इसलिए मल्टीनेशनल लिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी अलग कंट्री में भी ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है। तो इंडिया में तो यहाँ पर इनका बिजनेस है ही, तो बाहर कंट्री में भी है, तो अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट होता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर अलग अलग कंपनीज ने बात करें तो अच्छे खासे यहाँ पर इसमें इन्वेस्ट कर रखा है। इन्फो एच की बात करें, जिससे रिलेटेड हमने कुछ दिन पहले ही वीडियो बनाई थी नौकरी की, तो 18.6% की हिस्सेदारी इनकी यहाँ पर है। उबर की बात करें 9.1% की है। एल आई पे की बात, सिंगापुर की बात करें 8.3 है। एंड फिन सिंगापुर की बात करें 8.2% की है। तो मतलब अच्छा खासा वैल्यूएशन, मतलब अच्छा खासा यहाँ पर इन कंपनीज ने यहाँ पर इन्वेस्ट कर रखा है। हेडक्वार्टर गुड़गांव में है, हरियाणा में, तो इस चीज को हम देख सकते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं इससे रिलेटेड, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी एग्जैक्टली है क्या, तो आपको पता ही है रेस्टोरेंट से रिलेटेड कंपनी काम करती हुई नजर आती है। यहाँ पर आप अपनी टेबल भी बुक करा सकते हैं, अगर किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, या फिर वहां से खाना ऑर्डर कर सकते हो। ओके, यहाँ पर ये अलग अलग तरीके के सब्सक्रिप्शन भी निकालते रहता है जोमेटो प्रो, ओके फॉर कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम। तो इस तरीके से अगर बात करें, एज ऑफ December 31, 2020, जोमेटो हैज एस्टेब्लिश अ स्ट्रॉन्ग फुटप्रिंट अक्रॉस 23 कंट्री, मतलब अगर बात करें 23 कंट्रीज, मतलब 23 कंट्री इंडिया में ही नहीं, 23 कंट्री में यहाँ पर ये काम करता हुआ नजर आता है, विद 131,233 एक्टिव फूड डिलीवरी रेस्टोरेंट। तो बात करें 1,33,233 इनकी फूड डिलीवरी रेस्टोरेंट है, और 1,61,637 एक्टिव डिलीवरी पार्टनर है, मतलब जो खाने को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जाते हैं, मतलब आपके लिए जो डिलीवर करते हैं। 1,61,637 यहाँ पर लोग यहाँ पर खाना डिलीवर करते हुए नजर आते हैं। एवरेज मंथली फूड ऑर्डर, मतलब 10.7 मंथली फूड ऑर्डर की बात करें, तो 10.7 मिलियन कस्टमर्स यहाँ पर इनके मंथली इतने, मतलब बात करें 1,07,00,000 यहाँ पर कस्टमर इनके
मतलब ऑर्डर बुक करते हुए नजर आते हैं, 1,70,00,000। इसके अलावा बात करते हैं जो यहाँ पर कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की, देखिए नंबर वन है सबसे पहले तो इंडिया में एज वेल एज अमंग द लीडिंग फूड सर्विस डिलीवरी प्लेटफॉर्म अगर बात करें। दूसरे नंबर पर स्विगी आता है, रिकग्नाइज कस्टमर ब्रांड इक्विटी अक्रॉस इंडिया, वाइड स्प्रेड एंड एफिशिएंसी ऑन डिमांड हाइपर लोकल डिलीवरी नेटवर्क, स्ट्रॉन्ग नेटवर्क ऑफ 1,31,233 रेस्टोरेंट और 1,61,637 डिलीवरी पार्टनर। तो ये सब चीज इसके बारे में बता रखी है जो कि ऊपर हमने देख लिया है। और मतलब छोटे छोटे रेस्टोरेंट से लेके कोई भी यहाँ पर अपना अपने आप को कोई भी एक रेस्टोरेंट है या कोई भी एक छोटा मोटा कैसा भी है वो अपने आप को यहाँ पर रजिस्टर करा सकता है, ये इसकी ब्यूटी है। अगर बात करें इसमें मैटर नहीं करता कि आप कितने बड़े रेस्टोरेंट है कि बड़े रेस्टोरेंट को यहाँ पर चूज किया जाएगा, छोटे रेस्टोरेंट को चूज नहीं किया जाएगा। तो एनीवन वो इज रनिंग रेस्टोरेंट या फिर छोटा सा ढाबा वो भी यहाँ पर अपने आप को रजिस्टर करा सकता है, दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस बिजनेस। एज वेल एज बात करें कंपनी प्रमोटर्स की तो जोमेटो इज अ प्रोफेशनली मैनेज कंपनी विद नो आइडेंटिफाई। अगर बात करें यहाँ पर कोई प्रमोटर्स नजर नहीं आते, बट अगर प्रमोटर्स की फिर भी बात करें तो यहाँ पर जो नाम मैंने अभी आपको बताए थे वो एज वेल एज इन्फो एच के जो यहाँ पर ऑनर है वो यहाँ पर प्रमोटर्स के तौर पे यहाँ पर या फिर चेयरमैन या फिर बोर्ड में यहाँ पर नजर आते हैं। इसके अलावा कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो देखिए फाइनेंशियल्स यहाँ पर आपको कुछ अट्रैक्टिव नहीं नजर आएंगे, बट यहाँ पर कुछ बातें है जो मैं आपको बताऊंगा। ये इस बार का डेट ये 31 मार्च 2019 का है, ये 31 मार्च 2020 का है, ये 31 मार्च 2021 का है। तो यहाँ पर अगर बात करें कंटिन्यू एसेट की तो देखिए एसेट तो इनके बढ़ते हुए नजर आए हैं, नो डाउट यहाँ पर देखते हैं। बट अगर बात करें रिवेन्यू की तो रिवेन्यू यहाँ पर आपको पता है यहाँ तो पेंडेमिक का असर था, इस वजह से अदरवाइज यहाँ पर रिवेन्यू इनके बढ़ते हुए नजर आए थे। बट कंपनी अभी नई थी और यहाँ पर आपको पता ही है बहुत सारे ऑफर यहाँ पर देती रहती है कंपनी, तो इस वजह से अगर हम यहाँ पर कह सकते हैं ऑफर की वजह से कह लो या फिर और भी ABCD जो भी मैटर होगा, कंपनी अभी स्टार्टिंग मोड में है, कंपनी पे पैसा लगाया जा रहा है, बाहर से लोग आ रहे हैं पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो देखिए ग्रोइंग मैनर में है। तो यहाँ पर बट फिर भी प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट यहाँ पर घटता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर देखें तो सबसे पहले यहाँ पर नेगेटिव में प्रॉफिट था 10,105,000 रुपीज का लॉस था। फिर इससे बात करें 2020 में यहाँ पर 23,856 रुपीज का लॉस था और इस बार की बात करें 2021 की 8,164 है। स्टिल यहाँ पर पैंडमिक था ओके पूरे के पूरे यहाँ पर टाइम में, बट स्टिल यहाँ पर बात करें यहाँ पर लॉस कम होता हुआ नजर आ रहा है, दिस इज द ब्यूटी। एज वेल एज बात करें यहाँ पर एक चीज से और कंपेयर करना चाहूंगा, नजारा का आईपीओ आता हुआ दिखाई दिया था, एट दैट टाइम बात करें यहां पर उसमें भी इसी तरीके से नेगेटिविटी यहां पर बैलेंस शीट में थी, बट आज की डेट में देखते हैं तो वो नेगेटिविटी हटते हुए नजर आती है और यहाँ पर प्रॉफिट में कंपनी आ गई है। तो इसी तरीके से हम बात करें जोमेटो, रोज जोमेटो में बहुत जल्दी यहाँ पर सब कुछ चेंज होता हुआ दिखाई देगा और धीरे धीरे अनलॉक भी हो रहा है, तो अनलॉक जो एक बार हो रहा है तो दोबारा यहाँ पर अच्छा खासा फूड डिलीवर करते हुए नजर आएंगे, एज वेल एज यहाँ पर ये भी सब चीज चेंज होती हुई नजर आएगी। इसके अलावा ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू की बात करें तो यहाँ पर क्यों लाया जा रहा है ये इशू अगर बात करें यहाँ पर आईपीओ, तो मीट जनरल कॉर्पोरेट पर्पस जो कि नॉर्मल कहते ही सब लोग, फंडिंग ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक ग्रोथ इनिशिएटिव, तो यहाँ पर ग्रोथ के लिए कंपनी ला रही है, एज वेल एज ये रॉ मटेरियल मतलब अगर बात करें फूड के साथ साथ या वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स यहाँ पर सप्लाई करने में भी कंपनी अपने आप को यहाँ पर लिस्ट करा दी है। जैसे कि अगर बात करें आप दूसरी ग्रोसरी जो यहाँ पर ऑनलाइन होती है तो वहां पर आप ऑर्डर कर सकते हैं, तो सेम आप इसी तरीके से यहाँ पर भी ग्रोसरी यहाँ पर ऑर्डर कर सकते हैं। ग्रोसरी एज वेल एज अब बात करें यहाँ पर आप वो भी ऑर्डर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स भी यहाँ पर ऑर्डर कर सकते हैं, इनकी वेबसाइट पे एक बार जाएंगे तो पता चलेगा। एज वेल एज बात करते हैं और यहाँ पर लाया भी जा रहा है, अगर यहाँ पर इस चीज में वो और भी ज्यादा इन्वेस्ट करने वाले हैं। एज वेल एज बात करें यहाँ जोमेटो आईपीओ डिटेल्स की तो यहाँ पर डिटेल्स देख लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए ओपनिंग डेट तो 14 जुलाई 2021 को यहाँ पर ये आईपीओ आता हुआ दिखाई दे रहा है जो कि कमिंग वेनेसडे को है। आईपीओ क्लोजिंग डेट की बात करें तो 16 जुलाई मतलब फ्राइडे को यहाँ पर नेक्स्ट फ्राइडे को कमिंग फ्राइडे को क्लोज हो जाएगा, लास्ट डे होगा। इशू बुक बिल्ड इशू है, बुक बिल्ड इशू का मतलब क्या है कि यहाँ पर एक रेंज होती है 72 to 76 मतलब इसी रेंज में आपको यहाँ पर आईपीओ के लिए बोली लगानी पड़ेगी, कट ऑफ प्राइस पे बोली लगा दिया जाएगा या 76 पे। अगर आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब हो जाएगा तो 76 पे आपको यहाँ पर मिलता हुआ नजर आएगा, अगर कम तो यहाँ पर 72 to 73 यहाँ पर इन बिटवीन यहाँ पर जो भी होगा वो माना जाएगा, मोस्टली 76 ही माना जाएगा। मार्केट लॉट की बात करें 195 शेयर का यहाँ पर एक लॉट आपको मिलेगा, तो मतलब 195
85 मल्टीप्लाई 76 तो आपका लगभग कितना 14,900 समथिंग यहाँ पर रुपीस होते हुए नजर आएंगे। अगर मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी की यहाँ पर बात करें 195 मतलब एक लॉट तो मिनिमम आपको अप्लाई करना कर सकते हैं, मैक्सिमम आपके ऊपर डिपेंड है। लिस्टिंग बीएससी मतलब लिस्टिंग एट बीएससी, यहाँ पर एनएससी पे लिस्ट नहीं हो रहा है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। ये कंपनी लिस्ट हो रही है केवल और केवल बीएससी पे मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे ही लिस्ट होती हुई नजर आएगी। ₹1 का यहाँ पर फेस वैल्यू होगा। फ्रेश इशू की बात करें अगर तो यहाँ पर 9,000 करोड़ रुपीज का यहाँ पर ये फ्रेश इशू आ रहा है। बाकी ओएफएस की बात करें तो इन्फोइज यहाँ पर पहले लगभग 750 करोड़ का ओएफएस ला रहा था, बट उसने यहाँ पर अपना साइज कट ऑफ कर दिया और 375 करोड़ का ही यहाँ पर ओएफएस ला रहा है। बाकी अगर बात करें यहाँ पर 9,375 करोड़ रुपीस का ये आईपीओ आता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा और भी कुछ डिटेल्स की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 14 को ओपन होगा, 16 को क्लोज होगा, 22 तारीख को आपको अलॉटमेंट डेट है यहाँ पर। और इनिशिएट ऑफ रिफंड की बात करें अगर आपको नहीं आएगा, आपको अगर आईपीओ नहीं लगा होगा 23 को आपके पैसे आ जाएंगे। 26 तारीख को यहाँ पर शेयर अगर मिल गया होगा आपको आईपीओ तो यहाँ 26 तारीख को आपके डीमैट में आ जाएगा और 27 तारीख को यहाँ पर लिस्ट होगा तो आप उसके बाद ट्रेड कर सकते हैं। बात करें मैक्सिमम आप रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करें तो 13 लॉट ले सकते हैं और उसके लिए अगर बात करें 10% ही यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रख रखा है। तो अगर बात करें 2,535 शेयर्स ही के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, लगभग 1,92,660 करोड़ रुपये होता है। एक लॉट अगर बात करें 14,820 करोड़ का और 13 लॉट मैक्सिमम आप अप्लाई कर सकते हैं 1,92,660 रुपीज़ का। और अगर हम इसके रिलेटेड और भी कुछ चीज़ों की बात करें जो कि मेन सबका होता है तो जीएमपी की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर जो जीएमपी नज़र आ रहा है 10 रुपीज़ के आसपास का यहाँ पर जीएमपी आ रहा है। बीच में यहाँ 14 भी हुआ था, 15 भी हुआ था, आज मार्केट गिरी है। तो मार्केट के ऊपर डिपेंड रहता है कि इसका जीएमपी क्या होगा, जीएमपी मतलब ग्रे मार्केट प्राइस। तो अब आज की डेट में यहाँ पर 10 दिखा रहा है, आने वाले टाइम में शायद यहाँ पर और भी जीएमपी यहाँ पर चेंज होता हुआ दिखाई दे। तो अभी एक वीक है पूरा मार्केट 16,000 की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके आज की डेट में भी अच्छी खासी गिरावट हुई है, यहाँ पर बीच में हर्डल भी आ रहा है। अगर बीच में मार्केट बहुत अच्छा रहा और 16,000 को यहाँ पर टच करने के लिए पहुंच गया या फिर 16,000 को टच करके आगे निकलता है तो यहाँ पर जीएमपी और बढ़ सकता है, 15 भी हो सकता है जो कि अभी लास्ट कल के दिन में भी था, और बात करें फिर आगे चल के 20 भी हो सकता है, डिपेंड करता है। तो 10-20% का यहाँ पर आपको प्रीमियम पे ये शेयर जोमेटो यहाँ पर ओपन हो सकता है, तो इस चीज को भी याद रखिएगा। बाकी यहाँ पर अच्छे अच्छे यहाँ पर न्यूज आई रही है, जोमेटो आईपीओ टू डिलीवर माउथ वाटरिंग रिटर्निंग फॉर प्राइवेट मार्केट इन्वेस्टर्स यहाँ पर मिल रही है। अब एक चीज की और बात करना चाहता हूँ इसके अलावा, अगर हम बात करें जोमेटो की तो देखिए अगर किसी का अप्लाई नहीं होता जो मेरी स्टडी मैं बता रहा हूँ, देखिए बर्गर किंग में काफी लोगों का नहीं आया बट वो जब लिस्ट हुआ लिस्ट के बाद वो लगभग ₹200 तक जाता हुआ दिखाई दिया था। तो ₹200 पे खरीदने का कोई मतलब नहीं बनता, वेट करना होता 1-3 पे भी यहाँ पर ये शेयर फिर उसके बाद काफी करेक्ट होते हुए आया था, उस टाइम आप बर्गर किंग खरीद लेते, आज की डेट में अच्छा खासा प्रॉफिट में बैठे होते। बट स्टिल अगर बात करें हम यहाँ पर जोमेटो की तो जोमेटो भी देखिए यहाँ पर अगर बात करते हैं 76 पे आ रहा है और 20 रुपीज भी मान लिया तो 96 होता है, 100 के आसपास ये लिस्ट होता हुआ दिखाई देगा। अगर देखिए यहाँ पर छोटा आईपीओ है तो लोग बहुत ज्यादा पैसा लगाएंगे और यहाँ पर ऑपरेटर भगाते हुए दिखाई देंगे, तो 100 के आसपास यहाँ पर आप खरीदते यहाँ पर लगा सकते हैं एक ऑर्डर छोटी मोटी क्वांटिटी और उसके बाद एक दो तीन दिन के लिए रख के यहाँ पर बेच सकते हैं जब वो ऊपर जाए, उसके बाद यहाँ पर करेक्ट होता हुआ दिखाई देगा और बर्गर किंग की तरह ही यहाँ पर इसी तरीके से आता हुआ दिखाई देगा। एट दैट टाइम यू कैन एक्युमुलेट दैट पर्टिकुलर स्टॉक्स इन योर पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टस से, तो अच्छा खासा यहाँ पर ये आपको पैसा बना के दिखाई दे सकता है। बट बेफालतू में 200 पे या 150 पे खरीदने की कोशिश मत करना, क्योंकि एक बार भगाया जाएगा ये शेयर जैसे बर्गर किंग भगाया गया था, फिर उसके बाद आप फंस सकते हैं। तो बाकी यहाँ पर अप्लाई करना है इस जोमेटो को, ओके जोमेटो के आईपीओ को काफी बेहतरीन यहाँ पर नजर आ रहा है, लोग कुछ भी वैल्यूएशन कह रहे हो, वैल्यूएशन अभी कोई मैटर ही नहीं कर रहा, सिंपल अच्छे आईपीओ आ रहे हैं, भाग रहे हैं और अच्छा खासा आपको गेन दे रहे हैं। और इसी चीज से रिलेटेड यहाँ पर वीडियो थी, मैं भी यहाँ पर अप्लाई करूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिए और हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉरएवर को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।